यात्रा आज तो शुरू हो चुकी है जो कि 15 अगस्त तक चलेगी। इस बार इस यात्रा के दौरान 3 लाख श्रद्धालुओं के इथे पहुंचन की उम्मीद है, जिसनु लेके पुख्ता प्रबंध भी किए गए ने। अमरनाथ यात्रा नु लेके की तैयारियां कीतियां गए ने वो अज असीं तुहानू दस्सांगे। अमरनाथ यात्रा नु लेके इथे सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए ने। आर्मी CRPF अते स्थानक पुलिस ने इथे सुरक्षा प्रबंध किए ने। कुल 40,000 के करीब सुरक्षा कर्मी इथे तैनात किए गए ने, जिन्हां दे विच कुछ बालटाल तक श्रद्धालुओं के वाहनों के नाल ही पहुंचणगे। इस दे नाल ही हैलीकॉप्टर सेवा का भी प्रबंध है, जिसके तहत नीलगढ़ तो पंचतारणी तक सिर्फ 3608 रुपए दे विच यात्रा की जा सकती है, जबकि पहलगाम तो पंचतारणी तक 6208 रुपए तक हैलीकॉप्टर राही पहुंचा जा सकता है। जम्मू तो रवाना होया जत्था बालटाल पहुंचेगा, जिथो अगे दी यात्रा करके सोमवार नू बाबा बर्फानी दे दर्शन होंगे। जिस तो पहला बालटाल दे विच केहो जे प्रबंध ने जायजा लिया साडे पत्रकार ज्योति बैल ने। बाबा बर्फानी भूखे को अन्न प्यासे को पानी, अमरनाथ की यात्रा यानी सवेरा की टीम अमरनाथ की यात्रा करते हुए वक् वक् पड़ावों तो होंगी हुई बेस कैंप बालटाल पहुँच चुकी है। तुसी देख सकते हो कि इत्थे बालटाल बेस कैंप के उत्ते भरिया होया यात्रुआ नाल, और जो इत्थे लंगर लगा रही ने वक् वक् डिस्ट्रिक्ट टीम्स उन्होंने लंगर अपना लगा लिया ने, अपने लंगर लगा ले ने। इस तो इलावा इतों फस्ट जिहड़ा है इत्थे यात्रुआ दे चैकिंग की जाती है, उस तो बाद यात्रु अगे निकलते ने और 17 किलोमीटर का दूर जिहड़ा के रस्ता बाबा भोलेनाथ के दर्शन लई पहुँचते हैं। पैदल चलते ने या घुड़सवार चलते ने, घुड़सवार और खच्चर का इंतजाम इत्थे पूरा किया गया है। मेडिकल सुविधा की जो गल करिए इत्थे जिहड़े यात्रु आणगे उन्हां दे इलाज लई खास करके मेडिकल सुविधा दी गई है। 3 हॉस्पिटल ने, यह बेस कैंप के हॉस्पिटल के नाल नाल 2 होर हॉस्पिटल ने जिहड़े बनाए गए ने, जिथे इत्थे पहुंचण दे मरीजां दा इलाज किया जाएगा। और कितें एमरजेंसी सर्विस दे विच एमरजेंसी सेवावां दे विच किसी मरीज की कोई तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो उन्हें एयरलिफ्ट करके इतों हॉस्पिटल दे विच पहुँचाया जाएगा। तुसीं ते इत्थे सारा रस्ता सारा एरिया ही लंगर दे वाले जिन्हें इत्थे वख वख डिस्ट्रिक्ट दे जिहड़े लोग जिहड़े संगतां ने उन्होंने लंगर लगाए ने। उस तो इलावा जिहड़े कैंप ने, कैंप जिहड़े यात्रु उत्थे आंदे ने वो इन्हां कैंपां दे विच विश्राम करदे ने, इस कैंप लगा ले गए ने। सुरक्षा की गल करिए इत्थे इस यात्रा दौरान, क्योंकि 2 महीने के लगभग यात्रा चलेगी, बाबा अमरनाथ की यात्रा होएगी, उस दौरान सुरक्षा नू लैके 80,000 पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, जो जम्मू तो लैके हुण इत्थों तक दे सफर दे विचकार सारा रस्ता जिहड़े आने वाले यात्रु है उन्हां दी सुरक्षा दे लई तैनात है। उस तो इलावा जे गल करिए तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जिहड़ी है वो इत्थों कैंप दे विच है, कैंप का पूरा जिहड़ा इंचार्ज है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है। उस तो इलावा इत्थे पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। जगह जगह दे उत्ते मोबाइल टावर्स भी लगे हुए ने, जो पुलिस फोर्स है पैरामिलिट्री फोर्स है इत्थे पहुँचती है, क्योंकि जिहड़ा लंगर लगता है, लंगर लगे ने लोगों जो संगतों वालों लंगर लगाया गया है, लंगर तो इलावा इत्थे जिहड़ियां दुकानां भी लगियां हुई ने, दुकानां ते भी लोग पहुँच रहे ने और दुकानां भी देख रहे ने। इस तो तुसी देख सकते हो कि पूरा ये जिहड़ा बालटाल एरिया है संगतां दे नाल भरिया होया है, बहुत एक्साइटिड ने जिहड़ी यात्रा दौरान अमरनाथ दे बाबा अमरनाथ दे वो दर्शन करनगे। कैमरा पर्सन मुकेश के नाल ज्योति बैल, दैनिक सवेरा TV बालटाल। फिलहाल तुसी वेख्या कि बालटाल च यात्रियों लई पुख्ता प्रबंध किए गए ने। इस तों अग्गे भी दैनिक सवेरा ते पवित्र गुफा तक दीआं तैयारियां लगातार जारी ने।